टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की 5 करोड़ की 2 घड़ियों को कस्टम विभाग ने जब्त कर लिया है। कस्टम विभाग के अनुसार हार्दिक के पास इन घड़ियों के बिल नहीं थे और ना ही इन घड़ियों को उन्होंने अपने सामान के साथ डिक्लेयर किया था। हालांकि पांड्या ने इनकी कुल कीमत 1.80 करोड़ बताई है। एक घड़ी की कीमत 1.40 लाख की है और दूसरी की कीमत 40 लाख की। हार्दिक ने सोशल मीडिया में इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं भारतीय कानून का सम्मान करता हूं। सोशल मीडिया पर दुबई में खरीदी गई घड़ियों की कीमत बताई गई है वो गलत है। घड़ियों की कीमत 5 करोड़ नहीं है बल्कि दोनों घड़ियों की कीमत लगभग 1.80 करोड़ रुपए है। मैंने नियमों के अनुसार ही घड़ियों की खरीदी की है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। नियमों के अनुसार जो भी उस पर टैक्स लगता है वो पे है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जानकारी मांगी थी जो मैंने उन्हें दे दी है। वैसे हार्दिक का विवादों से पुराना नाता रहा। आपको बता दें कि साल 2019 में टीवी शो कॉफी विद करण में हार्दिक ने साथी खिलाड़ी केएल राहुल के साथ महिलाओं को लेकर काफी भद्दे कमेंट्स किए थे, जिसके बाद से उनको राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी, जिसके बाद अस्थायी तौर पर उनका प्रतिबंध हटा दिया गया था। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज़ नेशनल के साथ।